ये जो थोड़ा नीचे रहो, इसे रखो तो वापस से स्विंग पेस में बता। नहीं नहीं थोड़ा आगे आप इस पैर को पीछे रखो ताकि थोड़ा पीछे ले जाओ, बस ठीक। अब इस पैर हील ऑफ करो इसका। ओके ओके लेट्स कंटिन्यू। अब ये हील ऑफ के बाद जैसे ही टो ऑफ होगा तो ये स्विंग फेज में बेसिकली चला जाएगा। ओके अब आप इसको ऊपर करें, दैट इज द टो ऑफ। अब जब जब ये पैर लेफ्ट से कंपेयर में होगा स्विंग के भी फर्दर नीचे रखो, स्विंग के भी फर्दर मोर तीन सब स्टेजेस हैं बेसिकली, तो उसको कंपैरिजन के लिए आपने इस टांग से जो राइट वाली लेग है उससे कंपेयर करना लाजम होता है। तो इसको पैर को पीछे ले जाओ। ओके इट्स स्टिल हील ऑफ जो कि अभी तक इस टांग का फेज है। जैसे आपने टो ऑफ किया, नाउ दिस इज द टो ऑफ, दिस इज द फिफ्थ स्टेज। अब ये पैर इनिशियल स्विंग में आ गया, इनिशियल स्विंग में पैर इस टांग से पीछे होगा, जब इसके बराबर आएगा मिड स्विंग, और जब इसके आगे आएगा पुट इट फॉरवर्ड, दैट इज द टर्मिनल स्विंग, और अगेन हील स्ट्राइक। So the from the one heel strike to the other heel strike is a single stride length या simple gait cycle। और swing के कितने phases थे? तीन। Initial swing, toe off के बाद फौरी तौर पे initial swing, जब पैर आगे की तरफ बढ़ा तो mid swing, और जैसे ही last गया terminal swing। इनको दूसरे अल्फाजों में initial swing को, mid swing को, initial swing को accelerating phase कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त speed आपकी बढ़ रही होती है, right? So if I repeat, okay, the heel off के बाद toe off, और मिड स्विंग को मिड स्विंग कहा जाता है, और टर्मिनल स्विंग को जो है वो समटाइम डी एक्सेलरेटिंग फेज, क्योंकि उसके बाद आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली थोड़ी सी कम होती जाती है। सो पांच स्टेजेस, सब स्टेजेस स्टांस के, तीन स्विंग के, ये आठों के आठ जब स्टेजेस मिलते हैं तो एक आपकी गेट साइकिल कहलाती है। थैंक यू।